हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेक्नो वर्ड विद आशीष। आज मैं आपको जो स्टॉक ऐप के बारे में बता रहा हूँ। जो स्टॉक ऐप के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपके उसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये जोश स्किल स्पोकन इंग्लिश के नाम से है और इसकी खासियत ये है कि जिन लोगों को बिगनर हैं या जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो कई लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे और कई लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट मैंने भी इसको रिसेंटली ही ज्वाइन किया है अभी कुछ टाइम पहले। और मुझे फर्स्ट डे इसमें आपको ट्रायल पीरियड मिलता है। ट्रायल पीरियड में क्या होता है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको प्रैक्टिस पार्टनर, यानी कि आप कई बार कॉल करेंगे तो आपको अलग अलग प्रैक्टिस पार्टनर मिलेंगे जिनसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और साथ में वोकैबुलरी है, लेसन्स हैं, कई सारी चीज़ें दी गई हैं जो आप की इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो मुझे भी ये काफ़ी ऐप पसंद आया और मैंने इसका जो मिनिमम पैकेज रहा है 499 का, 3 मंथ्स का कोर्स है बट वैलिडिटी 1 ईयर की देते हैं जिसमें आप प्रैक्टिस पार्टनर आराम से कर सकते हैं। तो मैंने कल इसका प्रैक्टिस पार्टनर जो है ले लिया और मैंने कई लेसन वगैरह भी कंप्लीट किए, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ देखिए, वेलकम ऑफ द कोर्स, मैं वेदांत आपका टीम लीडर हूँ, आज से 90 दिनों तक हम साथ में पढ़ेंगे और साथ में सीखेंगे, आपका मकसद है कि आप नीचे दिए गए लेसन कंप्लीट करें। तो मैंने एक लेसन को ओपन कर लिया, सपोज़ ये तो इसमें ग्रामर है, एक वीडियो चलती है, वीडियो में आपको उसके बाद जो है मैं प्ले नहीं करूँगा, हो सकता है कॉपीराइट की आ जाए। तो मैं उसके बाद क्या होता है कि जब वीडियो आप प्ले कर लेंगे तो यहाँ नीचे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे मैं रीडू कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए कई क्वेश्चन है, तो वही वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके सॉल्व करने, वो सॉल्व करने के बाद आपकी स्पीकिंग के लिए यहाँ मिलता है आपको कॉल प्रैक्टिस पार्टनर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और ये इस तरीके से ऑन होता है, उसके बाद जो आपकी है प्रैक्टिस जो है वो चालू हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, कल एक लोचा भी है इसमें। अब मैं आपको लोचा का मतलब हिंदी में कहें कि एक प्रॉब्लम है कि जब आप कॉल प्रैक्टिस पार्टनर करते हैं, सपोज़ आपने कई सारे प्रैक्टिस पार्टनर में कॉल करी, ठीक है, और इन केस या आपने किसी गर्ल का ही आ गया, आपने बात करी और आपको ठीक लग रही है कि वो अच्छे के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी एप्लीकेशन जब पेड कर रहे हैं तो आप सभी को पता है या तो हम लोग चैटिंग के लिए या कोई लव रिलेशनशिप या किसी के लिए तो हम इस ऐप को यूज़ करेंगे नहीं, ऑलरेडी सबको पता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे सपोज़ मान लीजिए आपको किसी गर्ल से बात करके अच्छा लग रहा है और आपकी उसकी कॉम स्किल अच्छी है, होता क्या है कि लड़के लड़कियों के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी में बात करने में इजी हो जाता है, ठीक, और आपने उनसे काफ़ी अच्छे से बात करी, आपको अच्छा लगा, फिर कोई किसी ने आपको दोबारा कनेक्ट किया तो हो सकता है बॉय आया और आप उसने बात करी या आपको बात नहीं समझ में आई, आपने फिर से किया, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत बात तो है नहीं। गलत तब है जब आप किसी को प्रपोज़ किया आपने हो इस ऐप पर या किसी को अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर दी हो। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैं नॉर्मली बात करता, मुझे खुद भी इसका रीज़न पता नहीं क्या रहा, और उसमें लिख करके आया कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, आशीष काफ़ी प्रैक्टिस पार्टनर ने रिपोर्ट किया है कि आप उनसे बात नहीं करते, इसलिए आपकी कॉलिंग सर्विस अगले 24 आवर्स के लिए ब्लॉक की जा रही है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिससे भी कनेक्ट हों उससे बात करें और कोई पर्टिकुलर पर्सन ढूंढने की कोशिश ना करें। तो इसका मतलब क्या है भाई, अगर मैं किसी प्रैक्टिस पार्टनर, मैंने जब इसको पे किया है तो मुझे जो प्रैक्टिस पार्टनर सही लगेगा मैं उसी से बात करूँगा ना। सपोज़ कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो बिल्कुल बात ही नहीं कर पा रहे हैं या बोल ही नहीं पा रहे हैं और ऑटोमेटिक फिर वो वेट कर रहे हैं मेरे बोलने का, तो मैं सिंगल तो मैं खुद से बात कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने तो उस चीज़ के लिए पे किया हुआ है। तो अगर मैंने इसके अलावा कुछ किया है और मैंने जब इस चीज़ के लिए पे किया हुआ है तो ये कैसे कर सकते। दूसरा, इनका कॉलिंग कस्टमर केयर सबसे घटिया है, कॉलिंग कस्टमर केयर 10 से 15-20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा तब एक पर्टिकुलर कोई पर्सन आएगा। तो मुझे ये 2-3 चीज़ें ड्रॉबैक लगी, बाकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है और कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बता दी, और बने रहिए अपने चैनल टेक्नो वर्ड विद आशीष के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।